हाय गाइस, वेलकम बैक। टन टन टनान नन 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 नन। भाई टाइगर का ट्रेलर केवल 10 दिन दूर है। अब YRF ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है ना, उफ, अब उसके बारे में तो बात करेंगे ही। एक और इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो टाइगर को लेकर निकल कर आ रही है, वो है इसके एक्शन सीक्वेंसेस। बताती हूँ आपको क्या क्या न्यूज़ आई है, सब कुछ इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो। 1 लाख सब्सक्राइबर्स हमको जल्दी से पूरे करने हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले टाइगर मेनिया के बारे में। बॉस, अब से कुछ देर पहले हम सभी लोग जानते हैं ना कि ट्विटर वर्स पर फिल्मोहोलिक फरहान, जो कि मेरे ख्याल से सबसे बड़े टाइगर फैन, सलमान खान फैन है, वो ना कुछ शेयर करते रहते हैं। और एक BGM जिसको, जो मुझे लग रहा था, एक्चुअली मैं भूल गई थी कि टाइगर एक था, टाइगर के टाइम पर BGM यहीं पर आया था पहली बार, मतलब पहले ही आ गया था। मुझे लग रहा था ये टाइगर जिंदा है मैं ये वाला BGM है जो मैंने शुरू में गाया था, मगर मुझे लोगों ने, फैंस ने करेक्ट किया कि नहीं, ये शुरू से ही था। और वो ही वाला सीन यार, हम दिमाग में सोचते रहते हैं, वो चलता रहता है बैक ऑफ द माइंड, लेकिन मैंने वो सीन देखा जिसमें वो ही टेक्स अप हिज जैकेट एंड पीछे से ये वाला BGM चलता है, एंड देन द वॉक ऑफ टाइगर वो नज़र आई। और फिर वो लगा, भाई यार इस बार क्या होगा, Tiger 3 जब आएगी हम लोग पागल हो जाने वाले हैं। हमने अभी पठान में ही जब टाइगर को देखा था, उनका स्कार्फ ज़रा सा गिरा और पूरा का पूरा थिएटर स्टेडियम बन चुका था। अब जहाँ तक बात होती है इन सब चीज़ों की, ये तो सब हैं ब्रांड्स ऑफ टाइगर, ये तो सारे के सारे कह सकते हो कॉपीराइट्स ऑफ टाइगर हैं। वो वाला बंडाना हो गया, या जो दैट पर्टिकुलर वॉक हो गई, या हमारे को एक टाइप का अरेबिक म्यूज़िक या अरेबिक थीम्स देखने को मिलती हैं, चाहे वो मैंने आपको बताया भी है कि कितने सारे गल्फ के हमारे को फुटेजेस पहली वाले टाइगर में देखने को मिले थे। सो अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, एक फ़ोटो लीक हो गई है। मैं फोटो ऑफकोर्स शो नहीं करूँगी, शो नहीं करती हूँ मैं ऐसी चीज़ें। एक फ़ोटो लीक हुई है कतरीना कैफ के, एक यू नो एक एक्शन सीक्वेंस है। शी इज़ फ्लाइंग थ्रू द एयर एंड वो बाइक से जंप कर रही है, बाइक से जंप करते हुए शी इज़ फ्लाइंग थ्रू द एयर। फेस नहीं दिख रहा है, सब कुछ तो कवर्ड है ब्लैक कलर का, उन्होंने कुछ बॉडी सूट पहना है। बट पीपल आर सेइंग दैट ये Tiger 3 का सीन है और ये कतरीना है। हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि जब बात आती है ना कतरीना के एक्शन की, मैं तो यार, मैंने जो उनको जिस तरीके से टाइगर जिंदा है मैं देखा था, मैं फ़ैन हो गई थी। बहुत सारे हेटर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फीमेल एक्शन एक्ट्रेसेस को हल्के में लेते हैं। अब चाहे वो दीपिका हो, जो हमने पठान में देखा था दीपिका का रोल, बड़ा मुझसे पूछोगे, मुझे ना एक ओरिजिनल वाली जो फीलिंग आती है वो मुझे कतरीना को देखकर आती है व्हेन शी डज एक्शन, बिकॉज शी हैज़ दैट बॉडी लैंग्वेज। तो वो हॉलीवुड की एक्ट्रेस लगती है, मतलब ऐसा लगता है कोई हॉलीवुड की एक्ट्रेस आके एक्शन कर रही है। गैल गैडोट जैसी, वैसे बहुत बड़ा नाम हो गया, लेकिन स्टिल मुझे उसका एक्शन देखने में बहुत मज़ा आता है, एंड द काइंड ऑफ कमांड एंड मेहनत दैट शी डज ऑन द स्क्रीन इज विजिबल। सो अब एक्शन को लेकर हमने एक और सीन देखा था जो कि टीजर में था, जो वो वाला आइकॉनिक सीन था जिसमें भागते हुए आते हैं टाइगर एंड ही यू नो जस्ट होल्ड्स दैट जीप और उस वहाँ से टर्न करके और वो स्टार्ट करते हैं। तो सोचो भाई एक्शन क्या होने वाला है इस फिल्म का। एक्शन के मामले में एक्शन पैक्ड धमाका करने जा रही है टाइगर। एब्सोल्यूट जीनियस मनीष शर्मा ने जो ये हमारे को एक छोटे से ग्लिम्स में दिखाया, बहुत कम ऐसे टीजर्स होते हैं जिनको आप बार बार देखना चाहते हो, यू वॉन्ट टू रीविजिट दैम, टाइगर इज़ वन ऑफ दोज। और अभी ट्रेलर आने जा रहा है। YRF का मास्टर स्ट्रोक क्या है, मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में कि टाइगर का जो ट्रेलर है ये गणपत के साथ अटैच होगा ऑन द बिग स्क्रीन्स, यानी कि 20th of October को आप बड़े पर्दे पर भी इस ट्रेलर को देख पाएंगे। लेकिन 16 अक्टूबर को जो ट्रेलर आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल रिलीज होगा। अब यहाँ पर YRF, मुझे जहाँ तक न्यूज़ आ रही है ये कि YRF जो है ये इसको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करने जा रहे हैं, बट आई डोंट थिंक ये इस न्यूज़ में कोई सच्चाई है, क्योंकि इस पर्टिकुलर ट्रेलर को 3 languages में, मतलब फिल्म ही 3 languages में है, हिंदी, तमिल, तेलुगु। तो आई डोंट थिंक सो कि इसके पीछे कोई सच्चाई है। अगर ऐसा होता है, तो इससे व्यू काउंट्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो, एक ही जगह पर जब कोई चीज़ होती है ना, आपको उसको जगह जगह ढूंढना नहीं पड़ता, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, और आपका एक मिनट, ये तो एक हम है, हमारा एक मिनट जो है वो ढूंढने में जाएगा। हम जैसे करोड़ों लोगों का करोड़ों एक मिनट, सोचो वो व्यू काउंट्स को कितना ज़्यादा बढ़ा सकता है अगर वो एक ही जगह पे हो। हमने ये एग्जांपल देखा था सलार के टाइम पे, आपको याद होगा सलार का टीज़र एक ही लैंग्वेज में आया था, इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसके चलते उसके टीज़र को मिले कितने व्यूज़ 24 घंटे में, 83 मिलियन व्यूज़ इन 24 आवर्स। ये स्ट्रैटेजी YRF अपनाने का सोच रही है एक न्यूज़ के अनुसार, कि व्यू काउंट्स के लिए अब ये स्ट्रैटेजी अगर लेकिन YRF अपना लेती है तो मेरे ख्याल से ये सबका बिजनेस मॉडल बन जाएगा, और इसमें कोई बुराई नहीं है। बट ये होगा कैसे, इसको वो लोग इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, रियली डोंट नो।
बिकॉज सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश नहीं चलती, और हम हिंदी बेल्ट वाले लोग हैं, हमको तो हिंदी में चाहिए. हमने कल भी एक एग्जाम्पल देखा था कि हमको लियो का जो ट्रेलर जब रिलीज हुआ था तो हमारे को यार हिंदी बेल्ट वालों को हिंदी में चाहिए था, बेशक सब टाइटल्स में हम देख रहे थे. लेकिन अब YRF इस वाले यू नो टाइगर वाले केस में क्या करने जा रही है, क्या ऐसा ही कुछ करने का प्लान कर रहे हैं, तब तो भाई व्यूज मैडनेस हो जाएगी, मैडनेस, इट विल बी टोटल क्रेजी. ठीक है, सो वेट है अब 16 अक्टूबर की डेट तो आ गई है, टाइम क्या हो सकता है अभी नहीं पता है. मैं एक्चुअली ना एक समवेयर डाउन द लाइन थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि एक पोस्टर यार आ जाए जिसमें डेट तो पता चले फिल्म की. अभी तक वो डेट को लेकर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ फैन क्लब्स जो हैं वो कोई मौका छोड़ते नहीं हैं, वो कोई मौका छोड़ नहीं रहे हैं. टाइगर फैंस भी पूरे तरीके से लगे पड़े हैं. अब उन्होंने ट्रेलर के लिए जो है वो इवेंट वो प्लान कर लिया है. ठीक है, सो ये है सारी की सारी टाइगर को लेकर. दिस इज़ ऑन ग्राउंड बज, दिस इसको बोलेंगे ऑन ग्राउंड बज. और अगर मैं खैर ऑन ग्राउंड बज की बात कर रही हूँ तो बुक माय शो पर क्या चल रहा है, कितना इंटरेस्ट है टाइगर का अभी तक चल रहा है 113.5 के, यानी कि 113,000 इंटरेस्टेड आ रहा है बुक माय शो पर. दिस इज टोटल मेनिया. अभी देखो जैसे ट्रेलर आता है ना फिर ये शूट अप करेगा, कितना करेगा वी हैव नो आइडिया अबाउट इट. ओके, नाउ लेट्स वेट एंड वॉच कि आगे कितना चीज़ें एम्पलीफाई होती हैं. मुझे अब इंतज़ार है, वैसे एक्चुअली टाइम क्या होगा इस ट्रेलर का वो मैं देखती हूँ. अगर उसका कोई अपडेट आता है मैं जरूर शेयर करूँगी आपसे. बाकी स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल दी अपडेट्स. इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल.